नमस्ते दर्शकों, आफ्टर ढेर सारी रस्में एंड थोड़ी, हाँ, पहले दो लोग सामने खड़े हो जाते हैं। आयान और कलिशा सामने पढ़ने की कैप्टन पूरा फेसिंग। यस करेक्ट। रोल ऑर्डर सर। रोलिंग कंटिन्यू एंड एक्शन। नमस्ते दर्शकों, आफ्टर ढेर सारी रस्में एंड थोड़ी सी फाइट, भैया बाबी आर ऑन द रोड ऑफ लव एंड लाइफ। पंडित था लड़ाओ, पंडित थोड़ा पीछे जाओ। यहाँ से रोल, यस रोल, जूता निकाल दिया ना ऑलरेडी, निकाल निकाल दीजिए दोनों लोकेशन भी। रोलिंग एंड एक्शन। वरमाला के लिए चाचा भतीजा तैयार है। इच्छुक चला। रोलिंग एक्शन। मेरी साइड से कोई। अच्छा चलो चलो चलो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एक बार प्रॉपर कंफर्ट को पकड़ लो आराम से। दोनों लोग खड़े करो। एक्शन। सब पीछे हटो। डिक्लेयर प्लेस लोग पीछे को। ओके। लाइन ले लो। देखा? हाँ। लेकिन वो उठा के रख, हाँ यहाँ से पहना दिया, अभी उठा के रखिएगा डायलॉग। मत करना। नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी लाइन नहीं, ऊपर ही पहनाएंगे। रेडी? इसने पहनाया और मैं भाई साहब को बोल देता हूँ। करेक्ट। हाँ उसके बाद बोलेंगे अभी नहीं, और आपने इनको उठाया हुआ है। रोल एक्शन। अरे क्या बात हो गई, हाँ बाहर सब क्या पंचायत लगा के रखे हो तुम लोग, बाहर सब मेहमान खड़े हैं। ये तो आप आयान से ही पूछिए, लगता है सुबह का तमाशा है। क्या हुआ? घूमने लगाएंगे सीधा कंट्रोल लाइन्स करेंगे। राजी ऑर्डर सो। व्हाट इज माय कंटिन्यूएशन वनी लाइन? कनिका जी ने बोला टोल रोलिंग एंड एक्शन। अब देख रहे तुझे वो क्यों लाया उसने टेंशन में। बल्लू जवाब दो आया, तनु कुछ पूछ नहीं, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें फालतू की फिक्र
नहीं जनाब नहीं के लाइन में बोले जवाब दो यार इससे फालतू का इशू है एक्शन इतना होने के बाद भी अब इतना सब हो जाने के बाद अभी तुम इस फालतू के चक्कर में ठीक है वेट 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 सब को मैं तो नहीं बोल रहा है सुन रहा है बात को एंड कंटिन्यू जवाब दो यार क्या ये फालतू का इशू है हाँ बाबा बात फालतू की बात है क्यों जब सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर क्यों मेरे घर में फालतू का जिक्र क्यों जब सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर क्यों फालतू के नाम का जिक्र इस घर में हो रहा है बाबा क्योंकि फालतू खतरे में और क्यों पता है दोनों के बीच में डिसाइड हो चुका एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखो कनिका मुझे तो पहले से पता था ये फालतू ना इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं कनिका आंटी ये डिसाइड हुआ था और फालतू ने अपने हिस्से का वादा रखा भी लेकिन मैंने भी एक वादा किया था फालतू के बाबा को उसकी सेफ्टी का वादा तो मैं इतने बड़े शहर में फालतू को अकेले कैसे छोड़ सकता था ड्रामा छोड़ो टॉपिक पे आओ तुम्हें फालतू के बारे में कैसे पता वो बता मैंने अपना एक बंदा लगाया था फालतू के पीछे ये देखने के लिए कि वो सेफली एकेडमी में सेटल हो जाए आगे पर बाबा इस दौरान मेरे और फालतू के बीच पर बाबा इस दौरान फालतू और मेरे बीच कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई तनिषा आई होप यू ट्रस्ट तुम तो ट्रस्ट की बात मत ही करो आया सुबह इतना बड़ा हंगामा हो उसके बाद अभी तुम्हें उस फालतू की फिक्र है यहां तक कि तुमने उसके पीछे बंदा यहां तक कि तुमने उस पर नजर रखाई नहीं आंटी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए फालतू के बाबा ने मेरे भरोसे उसे यहां भेजा था अगर अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा दादी बोली अरे उसे कुछ क्या हो जाएगा मतलब तो क्या बस क्या हो जाएगा तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा तो उसे क्या हो जाएगा पप्पी और उसके गुंडों ने फालतू को किडनैप कर लिया पप्पी उससे जबरदस्ती शादी करने वाला है क्या लोग शॉक मुझे उसे बचाना होगा वो बहुत खतरे में तनु ऐसे कुछ है कनिका जिसे छुड़ा के गांव शहर से आई थी तो सिर्फ तो वही आदमी है उसका नहीं 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 बोले क्या क्या उसके बाद हाँ दादी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साले, 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 वही